हाँ तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक ये नई ज़ेब्रोनिक्स की हर्मेस करके कैबिनेट है, ये O11 डायनामिक की लुक अलाइक की नई कैबिनेट आई बजट रेंज में, तो आपके लिए इसका फर्स्ट लुक लेकर आए हैं और इस कैबिनेट की प्राइस रिवील करेंगे। पहले इसके फीचर्स बता देते हैं। इसमें आपको फ्रंट में पूरा ग्लास मिल जाएगा, साइड में पूरा ग्लास मिल जाएगा, ऊपर इसमें रेडिएटर लगने का ऑप्शन है, एक दो तीन लगभग 360 mm का सपोर्ट ऊपर है, 360 mm का फैन लगने का सपोर्ट नीचे है, और हार्ड डिस्क और SSD इसमें पीछे लग जाएगी, पीछे यहाँ स्पेस दे रखी है, और इसमें नॉर्मल साइज़ की SMPS लग जाएगी। RGB के लिए इसमें कंट्रोलर दे रखा है, फ़ैन इसमें पहले से 4 फैन इनबिल्ट आते हैं, आपको अलग से फ़ैन लेने की ज़रूरत नहीं, 4 फैन कंपनी साथ में दे रही है इसी प्राइस रेंज में। जैसे कि O11 डायनेमिक आप लेते हैं तो उसमें आपको अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं, इसमें आपको साथ में ही फैंस मिल जाएंगे। ये इसका पीछे से लुक से, ऊपर आपको पावर बटन, LED का बटन, दो USB 3.0, एक 2.0 और एक हेडफोन माइक का जैक मिल जाएगा। अगर आपको बजट रेंज में O11 की तरह दिखने वाली कैबिनेट लेनी है तो आप ज़ेब्रोनिक की हर्मेस ये कैबिनेट कंसीडर कर सकते हैं। इसकी जो हमारी प्राइस है, जो ब्लैक वर्जन है ब्लैक कलर का, इसकी प्राइस है 7700 रुपीज़ इंक्लूडिंग 4 RGB फैन विद रिमोट कंट्रोलर, और अगर इसी का वाइट एडिशन लेंगे तो वाइट का जो प्राइस है वो 8000 रुपीज़ है इंक्लूडिंग 4 फैन, ये आप देख सकते हैं। बाकी O11 डायनेमिक भी मार्केट में अवेलेबल है, ये 12,500 टू 13,000 की रेंज में मिलती है, ये उसी का लो कॉस्ट अल्टरनेटिव ज़ेब्रोनिक्स ने निकाला है विद 4 फैंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह का कंटेंट और देखने के लिए इस चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।